सो हे गाइस, वेलकम टू कमटी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ स्पाइडरमैन गेम के बारे में। एंड आप इसे काफ़ी सारे बंदे मुझे हमेशा कमेंट करते हो कि भाई न्यू जो स्पाइडरमैन गेम आ रहा है, फैनमेड गेम, उसके बारे में थोड़ा वीडियो बनाओ, क्योंकि भाई स्पाइडरमैन गेम का क्रेज बहुत ही ज़्यादा है इंडिया पे। एंड आपको पता होगा, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे तो भाई स्पाइडरमैन जो गेम होती है ना, प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है। पता नहीं इसका रीज़न क्या हो सकता है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे टॉप 5 ऐसे अच्छे अच्छे स्पाइडरमैन गेम के बारे में जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। एंड साथ ही साथ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग 2-3 गेम तो अभी के डब्बी डाउनलोड करने वाले हो। एंड गाइस, टेंशन मत लो, सारे गेम का डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट सेक्शन पे दिया है। सो गाइस, लिस्ट पे जो नंबर 5 पर गेम आ रहा है, इसका नेम है स्पाइडर फाइटर सुपर हीरो रिवेंज। बेसिकली ये गेम फाइटिंग गेम होने वाली है। अगर आप फाइटिंग गेम खेलना चाहते हो और वो भी स्पाइडरमैन के साथ, तो भाई इस गेम को आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा गेम होने वाली है। लेकिन ये जो गेम है ना, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं भाई कॉमेंट सेक्शन पर दे दूंगा, आप जाकर उधर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। बात करती इस गेम की साइज के बारे में, तो साइज होने वाला है 214 MB। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है। एंड यहाँ पर भाई एक साथ में 3-4 बंदे आ जाती है, एंड सारे के सारे मॉन्स्टर और जो विलेंस होती है, सारे के सारे विलेन एंड मॉन्स्टर आपको देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको फाइट करना होगा। बहुत अलग अलग तरीके से मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स, मूव्स, कॉम्बोस आपको देखने को मिलेगी। तो गेम खेलने में भाई काफ़ी ज़्यादा मजा आता है, चाहो तो एक बार ट्राई कर लेना, तो लिंक इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, चलो यार, बात करते हैं नंबर 4 गेम के बारे में। सो गाइस, नंबर 4 पर जो गेम आ रहा है, इसका नाम है स्पाइडरमैन टोटल मेहम। दोस्तों, आपको पता होगा WWE मेहम करके गेम था, बिल्कुल इस तरीके से गेम होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, डिफरेंट मूव्स, एक्शन आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग कॉम्बोज देखने को मिलेगी। एंड ग्राफिक्स यहाँ पर ठीक ठाक लगता है, इजी कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही अच्छे स्टोरी मोड है, काफ़ी सारे मिशन्स हैं, तो गेम खेलने में आपको काफ़ी मजा आने वाली है। एक प्रॉपर स्पाइडरमैन गेम अगर आप खेलना चाहते हो तो इस गेम को ट्राई कर सकते हो। एंड ये जो गेम है, सबसे पहले बता दूँ इसका साइज के बारे में, तो साइज होने वाला है 350 MB गेम का साइज है। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो बस एक बार डाउनलोड करके आप जितना चाहो उतना खेल सकते हो, लेकिन भाई गेम ऑसम होने वाला है। मैंने जब इस गेम को डाउनलोड किया था, मैं बहुत टाइम तक इस गेम को खेला था, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। बात करते हैं इस गेम की, तो इस गेम आपको प्ले स्टोर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भाई फिर से गलती कर दी मैंने, तो लिंक मिल जाएगा कॉमेंट सेक्शन पर, जाके उधर से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो यार, बात करते हैं नंबर 3 गेम के बारे में। सो गाइस, नंबर 3 पर जो गेम आ रहा है, इसका नेम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। दोस्तों, इस गेम के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा, इसके अंदर बहुत ही अच्छा मिशन देखने को मिलेगी, एक स्टोरी मोड भी देखने को मिल जाती है। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है, एंड एक को यहाँ पर भी आपको फाइट करना होता है। 1.5 GB गेम का साइज होने वाला है, एंड इसके अंदर एक PC लेवल की ग्राफिक्स देखने को मिलता है। एंड ये गेम, सबसे पहले बता दूँ, ये गेम PC पे देखने को मिलता है, लेकिन अभी के लिए मोबाइल वर्जन भी आ चुका है, तो आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। गेम के अंदर आपको एक अच्छा स्टोरी मोड देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पर आपको जो है ना, आसमान पे उड़ भी सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस, मूव, कॉम्बो आपको देखने को मिलेगा, एंड गेम के अंदर ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा होने वाली है। तो चाहो तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, बात करते हैं नंबर 2 गेम के बारे में। तो नंबर 2 पर जो गेम आ रहा है, इसका नेम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। बेसिकली ये गेम भी स्पाइडरमैन, मतलब जो अमेजिंग स्पाइडरमैन है ना, उसका ही एक पार्ट है, सेकेंड पार्ट आप बोल सकते हो। ये गेम भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, इसको भी मैं लिंक दे दूंगा कॉमेंट सेक्शन पर, आप जाकर उधर से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गेम की साइज के बारे में, तो साइज थोड़ा सा कम होने वाला है, 630 MB गेम का साइज होने वाला है। इसके अंदर आपको अल्ट्रा HD ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आप उड़ भी सकते हो। एंड प्रॉपर स्पाइडरमैन गेम खेलना चाहते हो तो भाई इस गेम को ट्राई करो यार, इसके अंदर काफ़ी सारे मूव्समैन एंड स्किल वगैरह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको फाइट करना होता है, एंड गेम खेलने में आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाली है। यहाँ पर आपको जो सिटी मिलेगा ना, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो पावर होती है, आपको पता होगा स्पाइडरमैन का जो पावर होती है वो काफ़ी कमाल होती है, तो उसकी मदद से यहाँ पर पूरा सिटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड यहाँ पर ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है, तो एक ओपन वर्ल्ड मैप भी आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा गेम खेलने में। एंड 630 MB गेम का साइज होने वाला है, गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो बस एक बार डाउनलोड करके आप जितना चाहो उतना खेल सकते हो। चलो यार, बात करते हैं नंबर 1 एंड फाइनल गेम के बारे में, जो कि काफी कमाल है। इस गेम का नेम होने वाला है मार्वल फ्यूचर रिवॉल्यूशन। दोस्तों, ये जो गेम है ना, एक ही गेम ऐसा मिलता है जो आपको प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिलता है, एंड ये गेम बहुत ही कमाल की होने वाली है। ये जो गेम है, सबसे पहले बता दो, ये PS4, PS5 कॉन्सोल एंड इस तरीके से PC पे भी देखने को मिलता है, लेकिन ये गेम अभी मोबाइल के लिए आ चुका है, एंड मोबाइल के लिए भाई बेस्ट गेम है अगर आपके पास एक अच्छा खासा डिवाइस है। इसका साइज भी बहुत ही ज्यादा है,
1.5 GB गेम का साइज है। तो अगर आपके पास एक अच्छा खासा डिवाइस है, मतलब 4 GB रैम के ऊपर डिवाइस है या फिर 4 GB रैम है, तो ही आप ट्राई करो। गेम बहुत ही अच्छा होने वाली है। अल्ट्रा HD ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा। अनरियल इंजिन पे इस गेम को मतलब डेवलप किया है। आपको पता होगा पबजी गेम जो है ना, वो पबजी गेम अनरियल इंजिन पर है। तो आप देख सकते हो यार पबजी का ग्राफिक्स, तो कुछ इस तरीके से ग्राफिक्स होने वाली है इस गेम के अंदर भी। एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छे स्टोरी मोड आपको देखने को मिलेगा, फाइटिंग गेम होने वाला है, सिनेमेटिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा, एंड मतलब बहुत सारे कार्टून्स भी देखने को मिलता है। तो गेम खेलने में आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाली है। डिफरेंट डिफरेंट मूव्स आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर ऑल मार्वल सुपर हीरो को आपको देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ऑल जो विलेन्स था गेम के अंदर, वो सारे के सारे विलेन्स मार्वल सुपर हीरो आपको देखने को मिलेगा इस गेम के अंदर। तो गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाली है, चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। एंड अगर मेरा बात कहो तो मैं आपको ये गेम रिकमेंड करने वाला हूँ। नंबर 1 पर जो गेम आ रहा है इसको मतलब खेल सकते हो, ये गेम प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाए। तो चलो यार आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड पे एक बेल बटन आएगा उसको प्रेस कर कॉल पर सिलेक्ट कर लेना। तो चलो यार मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अच्छे रहना, ख्याल रखना, बाय बाय।